हेलो बच्चों, लेट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। कोलाइडल सल्फर कैन बी प्रोड्यूस बाय, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कोलाइडल सल्फर कैसे हमारा प्रोड्यूस करा जा सकता है। तो कोलाइडल सल्फर क्या होता है हमारा, इसका मतलब है कि कोलाइडल सल्फर हमें एस बनाना है, अपनी रिएक्शन में सल्फर बनाना है इस तरीके से। तो हमारी रिएक्शन जनरली कैसे होती है कि हमारे सल्फर किस तरीके से कोलाइडल सल्फर बनता है। तो कोलाइडल सल्फर जो रिएक्शन होती है वो क्या करती है, इसमें हमारा क्या कैसे बनता है, H2S होता है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। जब उसे हम H2S को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराएंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए। तो H2S क्या है हमारा, सल्फर जिसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ पर। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 एंड +1 एंड ये हमारा क्या आ गया, X=0। तो X=2 आ गया -2। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से -2 निकल के आई है, तो यहाँ से हमारा ये क्या बना कर देगा, हमें ये एक तरीके से सल्फर एंड इधर से हमारा वाटर निकल जाएगा इस तरीके से। तो तब भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह निकाल रिएक्शन कराएंगे, तो हमें सल्फर इस तरीके से ऑप्टेन हो जाएगा और यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, सल्फर में यहाँ पर हमारी क्या है, 0 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और ये हमें क्या ऑप्टेंड हो गया, सल्फर सोल। ये हमें यहाँ सर इजी कोलाइडल, यहाँ से हमें क्या ऑप्टेंड हो गया, कोलाइडल सल्फर। ये हमें ऑप्टेंड हो गया यहाँ से, कोलाइडल सल्फर हो गया यहाँ से ऑप्टेंड हमें। ये हमें क्या हो गया, कोलाइडल सल्फर ऑप्टेंड हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं क्या, HNO3। तो हीटिंग विद द हीटिंग रोमिन सल्फर कैन बी प्रोड्यूस द कोलाइडल सल्फर, नो। इसी तरीके से हीटिंग मोनोक्लिनिक सल्फर, ये भी हमारा रोमिन सल्फर, यहाँ पर कोलाइडल सल्फर नहीं बना सकता। रिएक्शन ऑफ HNO3 विद H2SO4, हाँ ये रिएक्शन हमारी दे सकती है HNO3 की। जब हम रिएक्शन कराते हैं H2S के साथ तो वो कैसे रिएक्ट करता है हमारा, तो हमारी रिएक्शन होती है HNO3 + में H2S, ये हमारा 2HNO3 है, यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होती है 2NO2 एंड ये हमारा क्या है, 2H2O एंड ये बन गया सल्फर। यहाँ पर हमारी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर प्रेजेंट है, यहाँ पर 0 पे। यहाँ पे नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे क्या हुआ, ये HNO3 हमारा क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो उसको क्या करना था, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया इस तरीके से। तो इस रिएक्शन में हमारा सल्फर और बनेगा, हमें कोलाइडल सल्फर हमारा क्या है, कोलाइडल सल्फर हमें यहाँ से ऑप्टेन होगा। तो हमारी ये रिएक्शन क्या बिल्कुल करेक्ट है, रिएक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। तो रिएक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से हमें भी, हमें कभी भी कोलाइडल सल्फर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये रिएक्शन भी क्या है, कोलाइडल सल्फर प्रोड्यूस नहीं करेगी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।